हेलो नमस्कार वृंदावन चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर एक सरकारी आदेश जारी किया गया है स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा। ठीक है, अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब होगा इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, वीडियो में बने रहे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल लाइस। 3/3/2023 को आदेश जारी किया गया है। कार्यालय प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल श्री से, ठीक है, पन्ना जिले में आता है, वहाँ से आदेश जारी किया गया। इसमें बोला गया है द्वारा श्रीमान विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला पन्ना विषय विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1639 की जानकारी हेतु विषय, इसमें प्रश्न और उत्तर। इसमें बोला गया का अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण करने पर सरकार का क्या निर्णय है, सरकार अतिथि शिक्षकों को कब तक नियमित करेगी, यदि करेगी तो नियमितीकरण की नीति क्या होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्कूल शिक्षा विभाग ने जवाब किया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर सवाल पूछा गया शासन से। शासन से संबंधित उत्तर खा, वर्तमान सरकार ने मार्च 2018 से जनवरी 2023 तक किसी कैबिनेट मीटिंग में अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर कोई चर्चा या प्रस्ताव पारित किया, यदि हाँ तो वितरण प्रदान करें। ठीक है, इसमें बोला गया है कुछ चर्चा की गई है या नियमितीकरण के ऊपर कोई प्रावधान किया गया तो पूरा वितरण दिया जाए शासन से संबंधित। इसमें कहा क्या विभागीय स्तर पर कोई निर्णय मंत्रालय में अतिथि शिक्षक नियमितीकरण पर लिया, यदि कोई नीति तय की गई तो हाँ तो वितरण प्रदान करें। ठीक है, अगर विभागीय परीक्षा लेने के संबंध में कोई आदेश जारी किया गया तो उसका भी विवरण जारी किया जाए अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के संबंध में। ठीक है फ्रेंड, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन किन ग्राम पंचायत ब्रांच ग्राम पंचायतों का भी मुद्दा उठाया गया और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का भी मुद्दा उठाया गया, और इसमें रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई। स्कूल में जो अतिथि शिक्षकों के रिक्त पद है उसकी जानकारी मांगी गई नियमितीकरण के लिए। ठीक है, प्राचार्य माध्यमिक शिक्षक स्वीकृत पद रिक्त पद एवं कार्यरत शिक्षक। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें बोला गया उपयुक्त जानकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाए। और अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, ये प्राचार्य के हस्ताक्षर सील्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, इनमें सभी जानकारी शिक्षा विभाग को भेजी गई है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, और अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण जल्द जल्द किए जाने को लेकर